रबाडा वॉज बोलिंग टू रसल और 10 बॉलों पे ना 23 रन चाहिए थे। काफी तेज और शॉर्ट बॉल डाली, रसल इसको जज नहीं कर पाया और सिर्फ एक सिंगल ही मिला। रबाडा अभी भी सेम प्लान रखता है। नितिश राणा मिसेस इट, अब 8 बॉलों पे 22 रन चाहिए। इस बारी रबाडा ना थोड़ी फुल रखता है और नितिश राणा ने इसको सिंगल के लिए ड्राइव कर देता है। रसल ने इस पे भी सिंगल ही ले लिया, मेरे ख्याल से इसलिए लिया होगा ताकि वो आखिरी ओवर में आराम से रन मार पाए, क्योंकि आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए और अर्शदीप डालने वाले लास्ट ओवर। और सब्सक्राइब कर लोगे तो कुछ चला जाएगा क्या? फर्स्ट बॉल पे रसल स्ट्रेट ड्राइव मारता है, ही गेट्स 3 रन और उसके बाद ना नितिश राणा काफी सही करता है और सिंगल ले लेता है एंड कवर्स के ऊपर से 6 मार देता है रसल। उसके बाद मैच पूरा पलट सा गया और उसके बाद एकदम सिमिलर बॉल और सिमिलर रिजल्ट, 2 बॉलों पे 4 रन चाहिए। बट अर्शदीप का ना अलग प्लान होता है, एक स्लोअर यॉर्कर डालता है वो एंड रसल बोल्ड हो जाता है। अब आखिरी बॉल पे 4 रन चाहिए और लॉर्ड रिंकू सिंह आता है बैटिंग पे। अर्शदीप दोबारा स्लोअर बॉल डालता है लेकिन इस बारी कवर्स के ऊपर से मारने की कोशिश करता है लॉर्ड रिंकू सिंह और बाउंड्री पे फील्डर के हाथ के बीच में से बॉल निकल जाती है। लकी विन फॉर KKR।